और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा गया है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। यह ट्वीट किया गया है यूपी के डिप्टी सीएम की तरफ से, जिसमें कहा गया कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव से पहले यह बड़ा ऐलान ट्वीट के जरिए करते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, किस तरीके से उनके इस ट्वीट को देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से अयोध्या में लगातार मंदिर का निर्माण का काम जारी है, तो वहीं काशी में दूसरी तरफ मंदिर जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है वो बनकर तैयार है और उसका लोकार्पण 13 तारीख को, आने वाले 13 तारीख को प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और उसके ठीक बाद मथुरा की भी अब बात की जा रही है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने इसको ट्वीट किया है कि अब मथुरा की बारी है, तो अब मथुरा में भी मंदिर निर्माण की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो कह रहे हैं कि चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, तो इस वजह से बीजेपी इस तरीके से मंदिर के मुद्दा उठा रही है। जी बिल्कुल, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि मंदिर कार्ड बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है? जाहिर तौर पर अगर पूरे हम 4.5 साल का टेन्योर देखें योगी सरकार का, तो पूरे 4.5 साल में जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बनाने को लेकर प्लान किया गया, इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर प्लान किया गया काशी कॉरिडोर के बनाने का, और अब उसका उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं पूरे 1 महीने को लेकर, तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या और काशी में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, अमित आपको रोकना चाहेंगे, मोहसिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, यूपी सरकार में मंत्री है। मोहसिन रजा साहब, ये ट्वीट जो उप मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि मंदिर कार्ड खेल रही है बीजेपी? देखिए, विपक्ष की आस्था नहीं है हमारे अपने जो आराध्य हैं उनमें नहीं है, हम इसको, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, ये हमारे आस्था है हमारी। तो इसको लेकर विपक्ष पहले अपना स्टैंड साफ करे कि क्या उनकी आस्था नहीं है, और हम वहां पर सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, वहां पर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था करा रहे हैं, हमने जिस तरह से अयोध्या हुआ है अब उसके बाद काशी और मथुरा में भी हो रहा है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है विपक्ष को? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण करवाइए, लेकिन चुनाव के वक्त में हर एक मंदिर क्यों याद आ रहा है बीजेपी को? चुनाव तो देश में हर जगह होते रहते हैं, हर महीने हर 2 महीने में चुनाव होते रहते हैं, तो क्या हम अपने आराध्य को छोड़ दें, अपनी आस्था को किनारे कर दें? हम विकास कार्य भी कर रहे हैं, अपनी आस्था का भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी? पिछली सरकारों में तो आपने श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने तो वहां गोली तक चलवा दी। आपको लगता है कि इसको लेकर अब विपक्ष हावी होगा और इसी पर अब राजनीति होती हुई नजर आएगी? देखिए, हम राजनीति इस पर नहीं करते, हम विकास का कार्य करते हैं, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, इनके लिए मेवा का माध्यम था, वो जनता समझ गई, जनता ने विपक्ष को किनारे कर दिया। लेकिन आज हमारे अपने आराध्य जो काशी मथुरा और वृंदावन मथुरा में और अयोध्या में, ये हमारे यहाँ हमारी आस्था है, इसको कौन आगे बढ़ाएगा? क्या हम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे इनकी तरह? वो तो नहीं करेंगे हम। लेकिन यही आस्था विपक्ष की परेशानियों का सबब बन रहा है, क्योंकि अयोध्या में भी हमने देखा कि हर एक राजनीतिक दल का दिग्गज नेता मत्था टेकता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या अब उनकी मजबूरी हो जाएगी कि काशी और मथुरा की तरफ भी रुख किया जाए? जाए, अच्छी बात है, प्रायश्चित करें, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना अच्छी बात है, जाए और भगवान के सामने माफी मांगे कि जो गलतियां की हैं, तमाम जिन श्रद्धालुओं का बलिदान हुआ है मथुरा काशी वहां अयोध्या में, उनसे भी माफी मांगे जाकर, प्रभु श्री राम के दरबार में जाकर माथा टेक कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगे, तो हो सकता है कुछ सद्बुद्धि आ जाए। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव से पहले आपको लगता है कि गहमा गहमी अपने चरम पर है? देखिए, गहमा गहमी क्या, विपक्ष हमेशा से नकारात्मक राजनीति करी है, भ्रष्टाचार, गुंडा राज, अपराधीकरण, अब इनको लग रहा है कि कुछ वहां तो, चूंकि उस पर ये कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि कानून का राज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गया है, भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई है, विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो एक एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, हमने 4-4 एक्सप्रेस वे बना दिए, हमने डिफेंस कॉरिडोर ले लीजिए, चाहे अभी आपने काशी की बात की तो काशी की सकरी गलियों को अच्छा कर दिया, खूबसूरत कर दिया, बढ़ा दिया, वहां पर श्रद्धालु जाए दर्शन करें, तो
ये विकास कार्यों में नहीं आता है। सर रोकना चाहूंगी इस वक्त, सपा के नेता फखरुल हसन चांद हमारे साथ मौजूद है। सर दिक्कत क्या है, अयोध्या की तरफ आप रुक कर रहे हैं, लेकिन अब जब ट्वीट किया गया है उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि अब काशी और मथुरा की बारी है, तो इसमें भी दिक्कत विपक्ष को क्या है? जी फखरुल साहब, कोरोना में जो मौतें हुई उनकी जिम्मेदारी कब ली जाएगी? मैं समझ रहा था कि अभी हमसे पहले जो बोल रहे थे वो मोहसिन रजा है, मैं फोन तो हूँ इसलिए मैं नहीं देख पाया उन्हें। तो आप जो दूसरे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी, वो ये बताए कि बेरोजगारों को जो रोजगार देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो कब देंगे? उन वादों का क्या हुआ जो आपने बेरोजगारों से किया था? उन वादों का क्या हुआ जो आपने किसानों से किया था? उन वादों का क्या हुआ जो आपने जनता से किए थे, आपने छात्रों से किए थे? आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में फेल सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। ये चार्टर एक्सप्रेस वे की बात करते हैं लेकिन नहीं दे पाए। विकास के मोर्चे पर तो आपकी सरकार फेल है। मेरी सरकार फेल है? मोहसिन रजा से सवाल है। रजा साहब, विकास के मोर्चे पर आपकी सरकार फेल है, विपक्ष का आरोप। देखिए, विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है। अगर हम विकास के मुद्दे पर फेल हैं तो जनता निर्णय करेगी ना 2022 में। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, ये आपके पास आ रहे हैं अपना रोना रोने के लिए। जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में कभी नहीं गए हैं। जब जब ये सरकारों में आए हैं इन्होंने दुष्टीकरण की है और इनकी सरकारों ने भ्रष्टाचार, गुंडा राज, माफियाइज्म, आज उत्तर प्रदेश माफियाइज्म से बाहर आ गया है, अपराध मुक्त हो गया है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश में, कोई विकास कार्य नहीं हो सकते थे जब तक अपराधियों पर लगाम न लगे। जी फखरुल साहब, मोहसिन रजा जी, शायद आपकी जानकारी कम है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार रथ यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में है और आज भी वो जनता के बीच में है, लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। इसीलिए जो दिल्ली से लखनऊ की दूरी है वो लगातार कम होती जा रही है। लेकिन जनता के बीच की दूरी तो कम नहीं कर पाए आप, जनता के बीच की दूरी तो आप नहीं कर पाए, जब तो परिवर्तन की बयार यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिली। देखिए, जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए ही आदरणीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा से जनता के बीच में अपार जन समर्थन जो जनता का मिल रहा है, इसीलिए घबरा के दिल्ली से जो लखनऊ की दूरी है और दिल्ली से लखनऊ की जो यात्राएं हैं, देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या अभी भारतीय जनता पार्टी के शासित जो मोहसिन रजा साहब, अपार जन समर्थन मिल रहा है लेकिन क्या ये जन समर्थन वोटों में तब्दील होगा? जी रजा साहब जी, समाजवादी पार्टी को तो अपार जन समर्थन मिल रहा है। कर रहे हैं क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन में है? जब इनको अपार समर्थन मिल रहा है तो 22 में निर्णय भी देख लेंगे जनता का, क्योंकि हमने जो कहा वो किया है और आदरणीय मोदी जी ने देश में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, ये फड़फड़ाहट और फड़फड़ाहट जो है ये 22 तक है, बस ठीक है, थोड़ा बहुत घूम फिर लें, बड़े से रथ में 10 करोड़ की रथ बनवा कर उसके अंदर घूम रहे हैं एयर कंडीशन के अंदर, सड़क पर तो आए नहीं, धरातल पर तो आज भी नहीं उतर रहे हैं, वो आज भी उस लोगों को टाटा कर रहे हैं एयर कंडीशन बस के अंदर से। सड़क पर जाएं योगी जी की तरह, जिस तरह से योगी जी कोरोना लोगों के घरों पे कुंडी खटखटा के पूछ रहे थे राशन मिला के नहीं मिला, दवा मिली के नहीं मिली, गलियों गलियों जा रहे थे, ये काम करें। बिल्कुल, और क्या वाकई अब जनता का समर्थन उन तमाम पार्टियों को मिलता हुआ नजर आएगा जो कि सीधे तौर पर यूपी की सरकार को विफल बताते हुए विकास के मोर्चे पर नजर आ रही है? शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ज्यादातर किसान अपने घर वापसी की इच्छा रखते हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है, सिंघू बॉर्डर पर आज होने वाली 40 किसान संगठनों की बैठक रद्द हो चुकी है। आपको बता दें कि सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम मांगे जाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ किसान संगठनों ने आज की बैठक से खुद को अलग कर लिया है।
संयुक्त किसान मोर्चा मेन बॉडी की मीटिंग 4 दिसंबर को होगी, जबकि पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की एक अहम बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी, यानी कि 1 बजे के आसपास इस बैठक की शुरुआत होगी। तो 40 किसान संगठनों की जो बैठक होनी थी संयुक्त किसान मोर्चा की, वो बैठक रद्द हो चुकी है। 4 दिसंबर को अब किसान मोर्चा की बैठक होनी है, लेकिन पंजाब के कुछ जत्थेबंदियों ने एक बैठक बुलाई है जिस पर चर्चा होगी, मंथन होगा कि किस तरीके से सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलन को जारी रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि कई किसान संगठन अपने आप को इस आंदोलन से अलग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने तीनों कानून संसद के रास्ते वापस भी ले लिए हैं, लेकिन अब आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। पंजाब के एक किसान नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आया और एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे गए, जिसके बाद किसानों के संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें 5 नामों पर चर्चा भी हुई। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही ये नाम सरकार को भेजे जा सकते हैं। तो 5 नामों पर एक राय बन चुकी है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी नहीं हुआ है। सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाया जाए। जो मुख्य मांग थी वो तो मान ली गई है, लेकिन एमएसपी समेत 6 मांगों को लेकर अब किसान अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत ये साफ कर चुके हैं कि जब तक वार्ता सरकार के साथ नहीं होगी, हमारा आंदोलन इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जारी रहेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के भारी हंगामे के चलते एक बार फिर से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। इससे पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई, लेकिन जैसे ही कार्यवाही की शुरुआत हुई एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, जिसे देखते हुए दोपहर 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई। दोनों ही सदनों में विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। जब 12 बजने के बाद इस कार्यवाही की शुरुआत हुई तो एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, और ऐसे में अब दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है राज्यसभा की। कल 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हावी होता हुआ नजर आया। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, एक बार फिर से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। देखिए, जो 12 निलंबित सांसद हैं उनका निलंबन वापस लेने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी लिखा और संसद के अंदर दोनों सदनों में मांग की गई। हालांकि राज्यसभा के चुकी ये सारे सांसद हैं, इसलिए राज्यसभा में ज्यादा हंगामा और ज्यादा अब मांग की गई, इसलिए संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पा रही और संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। जहां तक निलंबित सांसदों का सवाल है, वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने जो संसद परिसर में ही है वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, और कुछ देर पहले राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता आए थे उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाने, उनके साथ समर्थन जताने, और उन लोगों ने भी यहां पर नारेबाजी की। विपक्ष की तरफ से एक बात साफ कर दी गई है कि जो निलंबित सांसद हैं जिनको की सत्ता पक्ष की तरफ से और खासतौर से चेयरमैन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने संसदीय गरिमा का उल्लंघन किया था 11 अगस्त को, जिसलिए निलंबित किया गया, उनको अगर माफी मांग लेते हैं तो बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि ये निलंबित सांसद माफी मांगने को तैयार नहीं है, इसलिए ये गतिरोध बना हुआ है। बिल्कुल, और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या आज के दिन की कार्यवाही भी पूरे दिन के लिए ऐसी ही रहने वाली है, विपक्ष का हंगामा? देखिए, विपक्ष ने जो अपनी रणनीति बदली है उसमें संसद का बहिष्कार करने की बजाय, कार्यवाही में हिस्सा न लेकर बाहर जाने की बजाय संसद के अंदर रह के ही संघर्ष करने की उन्होंने योजना बनाई है, और इसीलिए आप देखिए कि संसद के अंदर वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पेट्रोल सस्ता होगा। इस वक्त ये बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने वैट घटा दिया है जिससे सीधे तौर पर आम जनता को फायदा पहुंचेगा, पेट्रोल के दामों में कटौती नजर आएगी, पेट्रोल सस्ता होगा। राजधानी दिल्ली में कई राज्यों में वैट घटाए जा चुके हैं, पेट्रोल की कीमतों में कमी देखने को मिली है, और ऐसे में अब दिल्ली में भी पेट्रोल सस्ता होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई जिसमें वैट घटाने को लेकर सहमति बन गई है, दिल्ली सरकार ने वैट घटाया है।
दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, कितना सस्ता हो सकता है पेट्रोल दिल्ली में? जी, साफ तौर पर दिल्ली कैबिनेट की आज बैठक थी, उस बैठक में इसी बात पर लेकर चर्चा थी कि दिल्ली में क्या पेट्रोल और डीजल के दामों में वैट घटाया जा सकता है, जिसके बाद से अब ये खबर निकल कर आ रही है कि डीजल पर कुछ नहीं किया लेकिन पेट्रोल पर सरकार ने वैट घटाया, करीबन 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कमी अब आएगी तेल के दामों में, तो 8 रुपए तक अब पेट्रोल के दाम दिल्ली में घट जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा पेट्रोल, यानी कि ये बड़ी राहत आम लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। कई राज्यों में वैट घटाया गया था अलग अलग राज्यों सरकारों की तरफ से, और ऐसे में दिल्ली में भी ये प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा था कि जल्द से जल्द पेट्रोल की कीमतों में कमी देखने को मिले। आज कैबिनेट की मीटिंग जो बुलाई गई उसमें ये बड़ा फैसला ले लिया गया है, वैट घटा दिया गया है, यानी कि 8 रुपए कम अब पेट्रोल के दाम हो चुके हैं। एक बार फिर से दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी? डीजल के रेट पे भी चर्चा हुई थी लेकिन उसको लेकर अभी तक कुछ खास रियायत नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार को इस बात को लेकर दबाव बन रहा था कि केंद्र सरकार ने कमी की है और केंद्र सरकार ने राज्यों से भी अपील की थी कि वैट वो अगर अपने अपने राज्यों में घटाते हैं तो उसके बाद से तेल की कीमतें काफी कम हो जाएंगी, तो लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती रही। आज इसके लिए स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में ये तय किया गया कि दिल्ली में जो वैट है पेट्रोल पर वो घटाया जा सकता है, तो इसलिए अब सरकार ने यह तय किया है कि करीबन 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अगर तेल घटाया जाता है तो लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि डीजल पर भी अभी आगे चर्चा होनी है कि क्या उसमें भी वैट घटाया जा सकता है या नहीं। जी ठीक है, शुक्रिया दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो वैट घटाने का फैसला ले लिया गया है, यानी कि 8 रुपए सस्ता अब पेट्रोल जल्द ही दिल्ली वासियों को मिलेगा। तो दिल्ली में पेट्रोल सस्ता होगा, अलग अलग राज्यों ने पहले ही यह फैसला ले लिया था लेकिन अब दिल्ली सरकार ने वैट घटा दिया है जिसका सीधा असर पेट्रोल के दामों पर नजर आएगा। 8 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में लगातार लोगों की तरफ से मांग यही थी कि सरकार कुछ तो राहत दे, और ऐसे में आम लोगों को राहत देते हुए कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि वैट घटाया गया है जो कि सीधे तौर पर 8 रुपए सस्ता पेट्रोल के दामों पर नजर आएगा। पेट्रोल और डीजल को लेकर विपक्ष भी पूरी तरीके से विरोध जताता हुआ नजर आया, जिस तरीके से दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आए, कई राज्यों ने वैट घटाया। दिल्ली में अभी इंतजार किया जा रहा था कि कब पेट्रोल और डीजल के दामों को रिवाइज किया जाता है और ऐसे में वैट घटा दिया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर पीएचडी छात्र ने बड़ा आरोप लगाया है। दानिश रहीम नाम के एक छात्र का आरोप है कि उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो डिग्री दी गई थी वो वापस मांगी जा रही है। उसने पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दानिश रहीम ने आरोप लगाया है कि उसने एक साल पहले पीएम मोदी की तारीफ की थी जिसके एक साल बाद उसे परेशान किया जा रहा है। दानिश रहीम ने आरोप लगाया है कि उसे गलत विषय की डिग्री दी गई जो सही विषय को दी जाए। दानिश ने आरोप लगाया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विभागों में आर्टिकल 370 लगा हुआ है जिसे हटाना बहुत जरूरी है। और दानिश रहीम जो कि अब सीधे तौर पर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाते हुए डिग्री वापस लेने की बात सामने आ रही है। 100 साल प्रोग्राम में मैंने देश के पीएम की और एएमयू के वाइस चांसलर की तारीफ की थी तो मेरे वाइवा यानी कि 8 फरवरी से पहले 2 या 3 दिन मेरे चेयरमैन ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। 4 अगस्त 2021 को हमें एएमयू की तरफ से एक प्राप्त मिलता है, लेटर इशू होता है कि आपको जो डिग्री दी गई है वो गलत और अनजाने में दी गई है, आप अपनी लिंग्विस्टिक की डिग्री जमा करके लैम की डिग्री ले लें। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र दानिश रहीम ने गलत डिग्री देने पर जहां एएमयू प्रशासन को घेरा है, वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। हालांकि एएमयू प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए छात्र को सही डिग्री देने के निर्देश दे दिए हैं। मेरी एएमयू में कोई सुनवाई नहीं हुई, मजबूर होकर मुझे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और मैंने कल एक लेटर लिखा है देश के पीएम को, यूपी के सीएम को और सारी हायर अथॉरिटी को जो हायर एजुकेशन को देखती हैं, उसमें मैंने यही डिमांड किया है कि मेरी ज़िंदगी से ना खेले एएमयू, मैंने जो पत्र लिखा है उस पर कार्रवाई हो और मेरी जो डिग्री मुझे ईमानदारी की मिल चुकी है वही रहे, कोई ऐसी डिग्री ना मिले जो वैलिड ना हो।
और वहीं एएमयू के प्रवक्ता शाफी किदवई ने छात्र के आरोपों को निराधार बताया, साथ ही यह भी माना कि गलती से छात्र को पीएचडी की डिग्री जारी हो गई है जिसे वापस लिया जा रहा है। डिग्री जो मिलनी थी पीएचडी ने कंप्लीट कर लिया, इसको डिग्री लैब की मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ गलती हुई लिखने में, और उसको चूंकि भाषा विज्ञान डिपार्टमेंट ही जो दो डिग्रियां कराता है तो उसमें बजाय इसके लैम की जगह भाषा विज्ञान लिख दिया गया, तो अब उसमें उसको यूनिवर्सिटी ने करेक्ट कर दिया, उसके करेक्ट करने की कोशिश करके इसको मार्कशीट दे दी जाएगी। इसका राजनीति से या किसी से कोई मतलब नहीं है। एएमयू के छात्र के आरोप के बाद इस पर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। दानिश रहीम ने मामले पर समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ कहा है, आइए आप सुनिए। देश की इतनी बड़ी शिक्षण संस्था पे किसी छात्र का ये आरोप लगाना कि देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी थी इसलिए उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें सच्चाई नजर नहीं आती है। तो दानिश रहीम, जिनका सीधे तौर पर आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि उसकी डिग्री वापस ले रहा है, इस पूरे मामले पर अब एक्शन भी प्रशासन की तरफ से नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि गलती से जो डिग्री दी गई थी वो गलत थी, अब उस डिग्री को वापस लेने के लिए कहा गया है और सही डिग्री उनको दी जाएगी। लेकिन दानिश रहीम जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पिछले साल मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और ऐसे में लगातार उन्हें पिछले एक साल से परेशान किया जा रहा है और अब सीधे तौर पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर पीएचडी छात्र ने यह बड़ा आरोप सीधे तौर पर लगाया है। दानिश रहीम नाम के छात्र का आरोप है कि उसे एएमयू से जो डिग्री दी गई थी वो वापस मांगी जा रही है। उसने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दानिश रहीम ने आरोप लगाया है कि उसने एक साल पहले पीएम मोदी की तारीफ की थी जिसके एक साल बाद उसे परेशान किया जा रहा है। दानिश रहीम ने आरोप लगाया है कि उसे गलत विषय की डिग्री दी गई जो सही विषय की दी जाए। दानिश ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विभागों में आर्टिकल 370 लगा हुआ है जिसे हटाना बहुत जरूरी है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, जब प्रशासन ये कह रहा है कि ठीक है सही डिग्री दी जाएगी तो क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र हैं दानिश, और उन्होंने आरोप लगाया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन पे और कहा है कि उन्हें उनका जो डिग्री है वो वापस करने के लिए कहा गया, और वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि गलत डिग्री उनको दे दी गई थी। उनका जो एडमिशन जिस डिग्री में हुआ था, जिस पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए हुआ था, वो डिग्री उनको दी जाएगी। हालांकि ये बात पूरी तरीके से जांच का विषय है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति भी अब शुरू हो गई, जहां एक तरफ दानिश कह रहा है कि वो कोर्ट में याचिका दायर करेंगे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं कि ये मामला को और रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में दानिश जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा ये कदम उठाया गया, तो ये कोई इसे दूसरे रूप देने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच बैठानी चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये पूरा जांच का विषय है। जी बिल्कुल, जांच का विषय है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी अब जांच की मांग करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित सिंह आपका। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है, ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। WHO ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की है। WHO के मुताबिक सिर्फ यात्रा पर प्रतिबंध लाने से ओमिक्रॉन को रोका नहीं जा सकता। WHO ने कहा है कि जिन देशों में ये नया वेरिएंट सामने आ रहा है उन देशों को इससे जुड़ी सभी जानकारियों को साझा करना चाहिए जिससे इसकी रोकथाम के उपाय तेजी से किए जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक कई जानकारियों के बारे में पता नहीं लग पाया है जिससे ये पता लगाने में हफ्ते लग सकते हैं कि इसे टीकाकरण से किस हद तक रोका जा सकता है।
WHO ने चेतावनी दी है कि अभी कोरोना से दुनिया की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सामने आए इस वेरिएंट के बाद कई देशों ने अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इससे इस वेरिएंट को रोक पाना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब तक 12 से ज्यादा देशों में इस नए वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, इजराइल, इटली और पुर्तगाल शामिल हैं। और कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रोन का खतरा बढ़ता देखकर भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जाँच कराई ही जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरियंट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। गोवा में जो जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागुआ पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी। और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है, उन कंट्रीज के लिए 14 डेज का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, 4 दिसंबर को जैसलमेर जाएंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर BSF पोस्ट का दौरा करेंगे अमित शाह। भारत पाकिस्तान सीमा के पास है BSF पोस्ट, जिसका दौरा अमित शाह करेंगे। 3 महीने में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह भारत पाकिस्तान सीमा के पास अर्धसैनिक बलों के कैंप में मौजूद रहेंगे, समय गुजारेंगे और जवानों के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में भी गृह मंत्री अमित शाह ने BSF और CRPF कैंप का दौरा किया था अक्टूबर के महीने में, और ऐसे में अब जैसलमेर जाएंगे अमित शाह। 4 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान की सीमा पर वक्त गुजारेंगे। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या कुछ जानकारी अमित शाह के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, 5 दिसंबर को BSF का रेजिंग डे कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह का जैसलमेर दौरा है। 4 दिसंबर को वह जैसलमेर पहुंचेंगे और रात का वक्त जवानों के साथ गुजारेंगे, BSF कैंप में गुजारेंगे। ये कैंप भारत पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान में है, जिसके बाद 5 तारीख को रेजिंग डे का कार्यक्रम है BSF का, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पहली बार BSF का जो रेजिंग डे का कार्यक्रम है दिल्ली से बाहर हो रहा है, जैसलमेर हो रहा है, तो गृह मंत्री की यह यात्रा जवानों का मनोबल और हौसला बढ़ाने के लिए है। साथ ही सीमा पर भारत की तैयारियां, अर्धसैनिक बलों की तैयारियां कितनी पुख्ता है, उसका भी जायजा लेने के सिलसिले में है। शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से, 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से।